विकास का उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार जन शिक्षण संस्थान बाना में आज दिनांक 5/9/2022 को शिक्षक दिवस का आयोजन जन शिक्षण संस्थान बाना में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, उपाध्यक्ष बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट शालिनी जैन, राष्ट्रीय आजीविका कमीशन की जिला समन्वयक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ में संस्थान के निदेशक सलीम अख्तर जी ने बताया कि गुरु शिक्षा की परंपरा में माता पिता प्रथम शिक्षक हैं। इसके पश्चात जीवन में शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों को आज के दिन आदर्श अध्यापक के रूप में भारत सरकार द्वारा कौशलाचार्य अवार्ड भी दिया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शालिनी जैन ने कहा कि जिस उत्तम स्थान पर पहुंचती हैं, वहां पहुंचने पर गुरु का स्थान सर्वोपरि है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को दोहरी जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने पैरों पर खड़े होने के लिए शिक्षा ग्रहण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने बताया है कि ये दिन देश भर के शिक्षकों को याद करने के लिए मनाया जाए ताकि शिक्षकों के योगदान को सम्मान मिल सके। यही कारण है कि साल 1962 से प्रत्येक वर्ष हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। संस्थान के उपाध्यक्ष श्री अशोक कुमार त्रिपाठी जी द्वारा बताया गया है कि शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह शिक्षक गुरुओं का सम्मान तो है पर हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस भी है। शिक्षक दिवस शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ है सीखना। हमें गुरुओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए, हम उनसे उऋण नहीं हो सकते हैं। संस्थान के कार्यक्रम अधिकारी ने बताया, जिस तरह एक पक्की नींव ही ठोस को मजबूत भवन का निर्माण करती हुई, ठीक उसी प्रकार शिक्षक विद्यार्थी रूपी नींव को सुदृढ़ करके उस पर भविष्य में सफलता रूपी भवन खड़ा करने में सहायता करता है। एक शिक्षक ही है जो मनुष्य को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाता है और जीवन में सही और गलत को परखने का तरीका बताता है। भारत में यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन आजाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। यही कारण है कि हम इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तत्पश्चात मुख्य अतिथियों द्वारा अपने क्षेत्र में कौशल शिक्षा प्रदान करने वाले उत्कृष्ट अनुदेशिकाओं को सम्मान पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित अनुदेशिकाओं में श्रीमती अतिका बेगम, श्रीमती संदीपनी, श्रीमती कृष्णा देवी, श्रीमती सीता तिवारी, कुमारी राखी धारिया रहीं। कार्यक्रम अधिकारी श्री संजय पांडे द्वारा अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के कार्यक्रम समन्वयक नीरज कुमार, सह कार्यक्रम अधिकारी मयंक सिंह क्षेत्र, शिवांगी द्विवेदी परिचर, मनोज सहित 50 लोग उपस्थित रहे।